नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 10th साइंस के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है मानव तंत्र। उसमें हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। पिछली कक्षा थी उसमें हमने चर्चा की थी अमाशय के बारे में। अमाशय से नीचे अगर हम बात करें, ये जो अमाशय है इसके बारे में हम पिछली क्लास में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि अमाशय क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। इसे आगे का हिस्सा जो आता है, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ इस तरह से क्या होती है, यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में। तो बच्चों ध्यान देना, इसे आगे का जो हिस्सा है इसको अपने क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत से जो आगे का जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अपने क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा पाचन की प्रक्रिया होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बात आती है कि जो छोटी आंत जो है उसके कितने हिस्से होते हैं। छोटी आंत जो है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले छोटी आंत, छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं। पहला जो आता है वो आता है ग्रहणी। क्या आता है? ग्रहणी। दूसरा जो आता है बच्चों कौन सा आता है? अग्रसुद्रांत्र। अग्रसुद्रांत्र। तीसरा बच्चों आता है सुदांत्र। सुदांत्र इसको अपने कहते हैं ड्यूडोनियम, मैं थोड़ा शॉर्ट पे लिख रहा हूं, और इसको बोलते हैं जेजुनम, और इसको बोलते हैं इलियम, DJI शॉर्ट नाम मैंने आप लोगों को बताया है। अब आपको अपने यहां चर्चा करने की कौन कौन से भाग है। देखिए बच्चा, ये जो आगे अमाशय, अमाशय जो आगे जो वाला हिस्सा है इसको अपने कहते हैं ग्रहणी। इसको क्या कहते हैं? ग्रहणी। इससे आगे वाला ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इस तरह से, इसको बोलते हैं अग्रसुधांत्र। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अग्रसुधांत्र। और ये जो आगे वाला ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सुधांत्र। इसको भी क्या कहते हैं? सुधांत्र। देखो तीन हिस्से हो गए ना। अब अपने बात करते हैं पाचन की प्रक्रिया के बारे में, कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले भोजन जो आता है वो कहां आता है? ग्रहणी के अंदर ही आता है। और ग्रहणी के अंदर आपको मालूम होना चाहिए ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, प्लस यहां पर मैंने पिछले, अगर आपने पिछले पार्ट्स अगर आपने देखे हैं तो पिछले पार्ट्स में क्या था, यहां पर मैंने लिवर दिखा रखा था, और लिवर के नीचे क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, और पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस आता है। तो इनका क्या काम होता है इसकी क्लास, इसके बारे में मैंने पहले बताया था आप लोगों को पिछली कक्षाओं में। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ इसके अंदर, यहां छोटी आंत के अंदर। यहां पर ये जो यहां पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहां पर ओडी की अरोधरी भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब अपने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपने जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पित्रस, पित्रस इस छोटी आंत के जो ग्रहणी वाला ये जो भाग है इसमें होता क्या है, छोटी आंत में क्या होता है? पित्रस, अग्नाशय रस एवं अंतरस द्वारा भोजन का पाचन होता है। देखो बच्चों इधर देखो, यहां पे अब आपको पता होना चाहिए कि जो पित्तरस है वो कहां से आ रहा है, वो अपने लीवर के द्वारा स्त्रावित किया जा रहा है, और वो लीवर से पित्ताशय भी इकट्ठा होता है, वो भी यहीं पर आकर ग्रहणी में आकर मिल जाता है। उसके बाद आता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस कहां से आ रहा है? अग्नाशय ग्रंथि से द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। और अंतरस कहां है? जो इसके अंदर खुद स्त्रावित होता है। अब आपको बताया कि ये जो अग्नाशय है इस सॉरी ये जो अमाशय है इस अमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और इस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्षारीय बनाने का काम कौन कर रहा है? पित्तरस, अग्नाशय रस, अंतरस क्या करते हैं, ये इसको
किसका बनाने की कोशिश करते हैं, क्षारीय बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आंत की जो संरचना होती है, जैसे ये आंत है, ये आंत है, ये जो आंत दिखाई दे रही है, इसका जो अंदर की लेयर होती है, इसके अंदर एक स्तर होता है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूकोसा। क्या कहते हैं, म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा की जो लेयर होती है आंत्र म्यूकोसा द्वारा द्वारा स्त्रावित स्त्रावित एक एंजाइम होता है अंटेरो काइनेज, अंटेरो काइनेज के द्वारा जो ट्रिप्सोजन है, सॉरी एंजाइम है ट्रिप्सोजन को किसमें चेंज किया जाता है, ट्रिप्सिन में चेंज किया जाता है। पिछली कक्षा में आपको वो मालूम हो कि ट्रिप्सिन में क्या करता है, प्रोटीन को इनको क्या करता है, पाचन की क्रिया क्या करता है, चेंज करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। इस बात का ध्यान रखना, सक्रिय सॉरी सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन अग्नाशय रस से अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने तीन लाइनें लिखी है, ये आप अपने नोट्स में भी मेंटेन करेंगे। यहां पे क्या है, पित्तरस अग्नाशय रस एवं अंतरस द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। और जो हमारी जो लेयर है, ये जो इसकी जो म्यूकोसा म्यूकोसा मैंने भी आपको बताई थी कि जो ये जो दिखाई दे रही है आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसके स्तर होते हैं, इसके तीन स्तर होते हैं, उसमें से एक स्तर का नाम होता है म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के द्वारा स्त्रावित जो एंटेरोकाइनेज है, एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करके, सॉरी ट्रिप्सोजन जो एंजाइम है उसको क्या करते हैं, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है। अब ये ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय रस अन्य एंजाइमों अग्नाशय रस में मौजूद अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्योंकि ट्रिप्सिन आपके क्या करता है, अग्नाशय रस के अंदर जो अग्नाशय रस है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन एंजाइमों को वो क्या करता है, सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय। अब आगे बात आती है, सक्रिय करता है। और यहां पर इसके अलावा देखो यहां पर क्या होता है, मैं इसको साफ कर देता हूं। इसके अलावा छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो पित्त है पित्त वसा का इमल्सीकरण होता है, इमल्सीकरण होता है, यानी पित्त वसा का। अब आपको पता है कि इसमें जो वसा आती है, सॉरी पित्त इसमें सॉरी मैं एक मिनट रुको, पित्त जो है पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त जो है वो क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो वसा होती है वो बड़े आकार में होती है और उसको क्या करता है, छोटे छोटे कणों में चेंज कर देता है। छोटे छोटे कणों में क्यों चेंज करता है, क्योंकि वसा का पाचन करने के लिए एकमात्र एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइपेज, जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम होता है बच्चों, लाइपेज। और ये जो लाइपेज है ये बड़ी जो वसा है उसका पाचन नहीं कर सकता, बड़ी वसा का पाचन नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, इसका छोटे छोटे भागों में क्या करता है, इसका पाचन कर देता है। छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है, पाचन कर देता है। आगे देखिए इसमें क्या है, पित्त जो होता है इसको पित्त लाइपेज एंजाइम को
सक्रिय भी करता है, यानी जो पित्त है वो क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, और जो पित्त है वो क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय भी करता है। इस तरह से जो अब क्या होता है, इस तरह आंत में क्या होता है, इस तरह से सरल पदार्थ आंत्र के मध्यांतर व सुदांत्र भागों में अवशोषित होते हैं। यानी जो हमारी जो ये आंत जो है, इस आंत में क्या होता है कि जो सरल पदार्थ होते हैं वो आंत्र के जो बीच वाला जो भाग है और जो आगे वाला जो भाग है, इसमें क्या होता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जिस भोजन का पाचन नहीं होता है उसको कहां भेजा जाता है, बड़ी आंत में। अब अपने चर्चा करेंगे अपने बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत में क्या होता है। बड़ी आंत के बारे में अपने चर्चा करेंगे तो बड़ी आंत के बारे में देखिए यहां पे कि बड़ी आंत जो है वो कितने प्रकार की होती है, कितने भाग होते हैं बड़ी आंत। जिस भोजन का पाचन नहीं होता है वो भोजन कहां चला जाता है, वो चला जाता है बड़ी आंत के अंदर। कहां चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, उसके एक होता है अंडनाल, दूसरा होता है बृहदंत्र जिसको अपने कोलोन भी कहते हैं, और चौथा जो होता है वो है तीसरा जो है वो है मलाशय। क्या है, मलाशय। ये तो अंडनाल होगी, एक बृहदंत्र होगी और एक मलाशय हो गया। कितने भाग हो गए बड़ी आंत के, भी क्या हो जाते हैं, तीन भाग हो जाते हैं। और ध्यान में बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, जिस भोजन का पाचन नहीं होता है यानी अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। पहले मैंने आपको इसे पिछली क्लास जो थी उसमें हमने बात की थी उसके बारे में अपने बात की थी, अपने अमाशय के बारे में। किसके बारे में बात की थी हमने, अमाशय के बारे में। उसके बाद हमने भी बात की है छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं। उसके बाद में छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग हो जाता है, और जिसका पाचन नहीं हो जाता है उसको आगे बड़ी आंत में यानी अपचित तथा अवशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, अंडनाल, बृहदंत्र और मलाशय। बृहदंत्र को अपने कॉलोनी भी कहते हैं, और ये लगभग आपको मालूम होना चाहिए। ये जो है अंडनाल जो है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, लगभग ये कितने की होती है, 4 से 5 इंच होती है, बड़ी होती है। और ध्यान रखना बेटा ये वाला, ये जो आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये अपेंडिक्स की नाड़ी है, अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं, जिसको अपने परिशेषिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशेषिका। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो छोटी है जो सुदांतर है उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको अपने क्या कहते हैं, छोटा सा हिस्सा होता है इसको अपने क्या कहते हैं, अंडनाल कहते हैं। और ये 4 से 5 इंच होती है, ये वाला हिस्सा ही कहलाता है। उसके बाद में वृहदंत्र है, ये लगभग कितने मीटर होती है, लगभग 1.3 सेंटीमीटर होती है, मीटर में 1.3 मीटर होती है, ये टोटल 1.3 मीटर होती है। और इसके भी कितने भाग होते हैं, ये देखो कौन कौन सा होता है, एक देखो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों कि ये देखिए, एक बार मैं ये वाला देखो साफ कर देता हूं, एक बार इसको
क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। जो वर्धांतर है इससे आगे वाला ये वाला जो भाग है, ये तो हो गया, ये वाला जो भाग है ये तो आ गया आरोही, ये क्या है अनुप्रस्थ, और ये क्या है अवरोही, और ये आगे वाला जो हिस्सा होता है इसको अपने बोलते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड इसी जो कलोन जो है इसके भी कितने भाग हो गए, चार भाग हो गए बच्चों। कौन कौन से? एक तो ये वाला भाग हो गया आरोही, फिर ये वाला भाग हो गया अनुप्रस्थ, फिर ये हो गया अवरोही, और ये हो गया आगे आगे जो इतना जो नजर आ रहा है आपको लोगों को, जो मलाशय के साथ जुड़ा होता है, जिसको अपने ये क्या कहलाता है, ये आता है मलाशय, ये क्या कहलाता है मलाशय, इसके वाला ये वाला जो आकार है इसको अपने बोलते हैं सिग्मोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मोइड। इस तरह से अंगनाल होगी, वर्धांतर होगी, और उसके बाद क्या आता है मलाशय आ जाता है। मलाशय जो है नीचे वाला जो भाग है ये वाला, और यहां पर एक अवरोधनी पेशी होती है, अवरोधनी पेशी, और ये अवरोधनी पेशी क्या करती है, जो मल जो होता है उसको कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये अपने अभी बात की बड़ी आंत की, बड़ी आंत के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि अपचित भोजन का अपचित जो या जो अनावशोषित जो भोजन है पदार्थ है वो बड़ी आंत में चले जाते हैं, और वहां पे कुछ जैसे स्टीरिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो भी वहीं पाया जाता है और भोजन को उसको गलाने का काम करता है। फिर वो कहां जाता है? हमारे मलाशय में जाता है, और फिर यहां पर उसको यहां पे पेशी के द्वारा और अवरोधनी पेशी के द्वारा क्या जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और उसको बाहर निकलने से रोका जाता है, और जब इच्छा होती है तब उसके हिसाब से मतलब जो भी मनुष्य के अंदर जो भी इच्छा होती है उसमें वो अपने लघु संकल्प के हिसाब से वो करता है। तो ये जो होता है मलाशय है इसको बोलते हैं अपने मलाशय के ऊपर वाली जो ये होती है इसको अपने बोलते हैं अवरोधनी पेशी, और ये इसे ऊपर वाला जो हिस्सा जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो यहां तक जो हिस्सा है वो है बड़ी आंत का। किसका है? बड़ी आंत का। इससे ये वाला जो है वो कौन सा है? छोटी आंत। आज हमने चर्चा इसी के बारे में की, अगली नेक्स्ट क्लास के बारे में अपने बात करेंगे। एक तो लीवर पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, और हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। धन्यवाद।